हर माँ चाहती है जब भी मैं अपने बच्चे को टिफिन दूँ तो हर बार टिफिन खाली आए। अगर आपकी भी यही सोच है तो ये रेसिपी सिर्फ आपके लिए है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अपना चोखा। अपना चोखा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है एक अमेरिकन भुट्टा। अगर आप चाहें तो इसे देसी भुट्टे का यूज़ कर सकते हैं। भुट्टे को अच्छी तरह से छील लेंगे और इसके बाद इस तरह से हाथ से इसके दाने को अलग कर लेंगे या फिर चक्कू की सहायता से इस तरह से लंबे लंबे करके इसके दाने को सभी को अलग कर लेंगे। अब एक बाउल लेंगे, उसमें डालेंगे आधी कटोरी सूजी और एक कटोरी बेसन का। बेसन और सूजी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बेसन और सूजी आपस में अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। इस समय हमें पानी की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है, थोड़ा सा हमारा रनिंग बेटर रहे, क्योंकि 5 से 10 मिनट बाद जब सूजी फूलेगी तो पानी अपने आप ऑब्जर्व हो जाएगा। इसके बाद मैं यहाँ पर डालेंगे कुछ बेसिक से मसाले। यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। साथ में डाला मैंने 1 छोटा चम्मच सूखा धनिया पाउडर का, 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1/4 चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर। इन सभी मसालों को इस घोल के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सभी मसाले बैटर में अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। हमने जो कॉर्न के दाने निकाले थे, अब उसमें डालेंगे कॉर्न, 1 स्लाइस की हुई शिमला मिर्च, 1 स्लाइस किया हुआ प्याज, 1 स्लाइस किया हुआ टमाटर, पनीर के थोड़े से क्यूब्स, साथ में डालेंगे चॉप की हुई बारीक हरी मिर्च। हरी मिर्च की मात्रा आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना भी आपको तीखा पसंद हो। अब इन सभी सब्जियों को बैटर के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसमें मैं गाजर डालना भूल गई हूँ। यहाँ पर मैंने ली है कद्दू की हुई 1 कटोरी गाजर। गाजर को भी इस बैटर के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। हमारा मिक्सर बिल्कुल रेडी है नाश्ता बनाने के लिए। अब एक तवा लीजिए, उसमें बिल्कुल 1/2 चम्मच तेल डालिए और अच्छी तरह से इसे फैला लीजिए। मुझे तेल थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था, इसलिए मैं इसमें से तवे में से निकाल लेती हूँ। सिर्फ 1/2 चम्मच तेल इसके लिए काफ़ी रहेगा नाश्ते के लिए। अब अच्छी तरह से तेल गर्म हो चुका है और फैल भी चुका है। अब इस बैटर को लेंगे और एक चम्मच इसके लेंगे और इसके तवे में डाल के अच्छी तरह से इसमें फैला देंगे। आप इसे मिनी पैनकेक कह सकते हैं, मिनी चीला कह सकते हैं। आप मुझे बताइए इस चीली नाश्ते का मैं क्या नाम दूँ। अगर आप वेट लूज़ करने की सोच रहे हो तो ये नाश्ता आपके लिए बहुत परफेक्ट है। अगर आपके बच्चे कोई भी सब्जी नहीं खाते हैं तो आप इस तरह से बच्चे को चीला बना के दे दीजिए, स्टफ वाला, तो बच्चे आपके खुशी खुशी खाएंगे भी और सारी सब्जियां उसके अंदर चली जाएंगी और हर बार टिफ़िन आपका ऐसे खाली आएगा। ये देखिए एक तरह से अच्छी तरह सीख चुका है। अब हम इसे दूसरी तरह से भी इसे अच्छी तरह से सेक लेंगे, बिल्कुल क्रिस्पी लाल गोल्डन करेंगे। ये बहुत जल्दी हो जाता है, इसे बनने में ज़्यादा समय लेता है। सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर आपके 4 से 5 पैनकेक इस तरह से मिलकर तैयार हो जाएंगे। ये देखिए हमारे कितने बढ़िया क्रिस्पी क्रिस्पी लाल गोल्डन ब्राउन कलर के हमारे नाश्ते बनकर तैयार है। इसे आप सॉस के साथ, हरी चटनी के साथ, मेयोनीज के साथ, जिस तरह से भी आप खाना पसंद करेंगे आप इसे खा सकते हैं। और साथ में बहुत कम तेल में बना हुआ है तो ये हेल्दी तो है ही। इस नाश्ते को मैं सर्व करूंगी टमाटो केचप के साथ। आप अपनी पसंद की कोई भी चटनी के साथ इसे सर्व कर सकते हैं और मेहमानों को या बच्चों को टिफ़िन में या लंच बॉक्स में या शाम के टाइम जब छोटी छोटी मोटी भूख लगती है उसमें ये बिल्कुल परफेक्ट है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्द मिलूंगी ऐसी ही बहुत शानदार और ईजी रेसिपी के साथ। तब तक हैव ए नाइस डे। खाते रहें, खिलाते रहें।